नोटिस करिए कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो किसी के नहीं होते हैं ठीक है थीके? आप उसको बेटा मैं तुझे ना टॉफी दूंगा तो वो आपके पास आ जाएंगे ठीक है अगर मैं कहूंगी कि बेटा मैं तुझे चॉकलेट दूंगी तो वो मेरे पास आ जाएंगे तो लॉयल्टी नहीं होती है कि वो दीनी मान नहीं होता इनका ठीक है थीके? जहां पर फायदा वहीं पे चले जाते हैं। तो का भी कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर आप medium change कर दोगे, तो इनका पाथवे भी चेंज हो जाएगा ठीक है? अगर आप पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो इनका पाथवे होगा एस वन अगर आप पोलर ए प्रोटेक्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो इनका पाथवे हो जाएगा एस तो हेलो एवरी वेलकम टू आई आई रश्मि मैम तो आज आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन कि कैसे जो है सॉल्वेंट जो है वो एस एन वन रिएक्शन और एस एन टू रिएक्शन के पाथवे को अफेक्ट करता है और आप एक चीज सोच रहे होंगे कि मैम ने एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन कराने में ही इतने सारे लेक्चर्स निकाल दिए तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल बताई जाए ताकि इससे बाहर आपको कुछ और समझने की जरूरत ना पड़े ठीक है तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट को जो हम बेसिकली दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज में पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट ठीक है पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं जब एटम्स के बीच में जो है अप्रिशिएबल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो वहां पर एक डायपोल क्रिएट हो जाता है उसी सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल वाटर एसिटिक एसिड मिथेनॉल ठीक है वाटर में आपको मैं दिखाई देती हूँ देखो ये है ना वाटर तो वाटर में आप देख ही सकते हो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा पार्शल पॉजिटिव राइट ठीक है तो ये क्या है पोलर सोल्वेंट नाउ नॉन पोलर सोल्वेंट नॉन पोलर सोलवेंट क्या होते हैं जब दो एटम्स के बीच में जो है एप्रिशिएबल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन टाइट्रोक्लोराइड बेनजीन एनहेक्जेन डाईथाइल ईथर मिथेलिन क्लोराइड ठीक है ये सब किसके एग्जांपल है नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अभी हमने जो डिस्कस करना है हमने पोलर सोलवेंट को ही कंसिडर करना है नॉन पोलर सोल्वेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे अब आगे देखते हैं पोलर सोल्वेंट जो है वो भी फर्दर दो टाइप के होते हैं पोलर प्रोटिक एंड पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट पोलर प्रोटिक का मतलब प्रोटिक मतलब प्रोटोन से रिलेटेड ठीक है जब हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन इनके साथ अटैच होगा तो उस टाइप के सोल्वेंट को हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर ठीक है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा फॉर एग्जाम्पल डायमिथाइल फोरमामाइट जब हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ठीक है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन फ्लोरिन और ऑक्सीजन ठीक है हाइड्रोजन जो है वो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लाइक कार्बन से अटैच हो तो उस टाइप के सॉल्वेंट को हम बोलते हैं पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल डायमिथाइल फोर्माइट राइट ठीक है तो ये था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट अब देखते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट कैसे अफेक्ट करते हैं एस एन वन रिएक्शन या एस एन टू रिएक्शन को तो एक चीज़ ध्यान रखना पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट जो है वो एस एन वन रिएक्शन और एस एन टू रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं क्यों क्योंकि पोलर सॉल्वेंट का जो इलेक्ट्रिक कॉन्टेंट होता है डाईलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नोट e से पोलर सोलवेंट का डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है तो हाई होने की वजह से ये जो कार्बन और हाइलोजन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है ये वीक कर देता है ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक हो जाएगी तो क्या है ये बोंड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा बोन अगर ब्रेक हो जाएगा तो लिविंग ग्रुप जो है डिपार्ट कर जाएगा और अगर लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा तो वही तो हम चाहते हैं क्योंकि देखो एस एन वन रिएक्शन में क्या होता है फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता है और फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है तो बोन्ड तो यहाँ पर भी ब्रेक हुआ ठीक है और अगर हम एस एन टू रिएक्शन की बात करें तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली तो वहाँ पर भी बोन ब्रेक तो हो रहा है एक ही स्टेप में हो रहा है पर बोन ब्रेक हो रहा है ये तो फॉर श्योर sure है ठीक है तो कौन अफेक्ट कर रहा है सॉल्वेंट अफेक्ट कर रहा है सॉल्वेंट का अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई होगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देगा बोंड ब्रेक होगा और एस एन वन या फिर एस एन टू रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करेगा ठीक है तो लिख सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नोट जैसे ही ई नोट इंक्रीज़ किया फोर्स क्या है डिक्रीज़ हो गई और एस एन वन रिएक्शन और एस एन टू रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया क्लियर ठीक है नाउ वी विल सी दैट कि हाउ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अफेक्ट्स द रेट ऑफ एस एन वन रिएक्शन कि कैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो एस एन वन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है ठीक है सो नाउ कमिंग टू द इफ़ेक्ट ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ एस एन वन रिएक्शन कि कैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो एस एन वन रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है तो देखते हैं देखो ये रहा हमारा सब स्ट्रेट ठीक है तो हमें पता ही है कि एस एन वन रिएक्शन में क्या होता है लिविंग ग्रुप लिवस द मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस ठीक है तो मैं यहाँ पर जो है ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करती हूँ ठीक है ये रहा हमारा कार्बन या एल्काइल ग्रुप और ये रहा हेलोजन इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है ठीक है हेलोजन पे कैसे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हेलोजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ठीक है अब ये देखो हमने लिया एक पोलर प्रोटिक सोलेंट फॉर एग्जाम्पल वाटर ठीक है तो यहां पर चार्ज है पार्शल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है डायपोल है राइट ठीक है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो ये रहा रायपोल क्लियर ठीक है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो कैटायन और एनायन दोनों को ही सॉल्वेट करता है ये रहा कैटाइन ये रहा एनायन ठीक है तो जो सबस्ट्रेट है हमारा वो किससे सराउंडेड हो गया वाटर मॉलिक्यूल से ठीक है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर तो नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव वाले के कांटेक्ट में आएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के कांटेक्ट में आएगा राइट ठीक है तो यहाँ पर कौन सी इंट्रैक्शन हुई ये रहा आयन और ये रहा डायपोल तो कौन सी इंट्रैक्शन हुई आयन डायपोल इंट्रैक्शन आयन डायपोल इंट्रैक्शन राइट ठीक है तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये रखने हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन ठीक है देन और चीज आपको क्या ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि सबस्ट्रेट ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिला स्टेबिलान ठीक है आय डाइपोल इंट्रेक्शन ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलाइज हो गई तो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी और अगर एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ एस एन वन रिएक्शन विल इंक्रीज ठीक है ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलाईज हो गई तो रेट ऑफ एस एन वन रिएक्शन विल इंक्रीज तो हम कह सकते हैं कि एस एन वन रिएक्शन का जो रेट है दैट इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्लियर ध्यान रहेगा यहां पर मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा देती हूं देखो एक्स एक्सिस पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ठीक है और Y एक्सेस पे क्या है एनर्जी तो ये रहा हमारा सबस्ट्रेट ठीक है एल्का है ये सबस्ट्रेट मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ ठीक है यहाँ पर बस हम ट्रांजिशन स्टेट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये है ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी इन इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट और अब मैं ड्रॉ करती हूँ ट्रांजिशन स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट तो देख ही सकते हो कि सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जो है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या हो रही है कम हो रही है वो स्टेबलाइज हो रहा है कोई भी सिस्टम की एनर्जी जब डिक्रीज होती है तो वो स्टेबलाइज होता है तो रेट ऑफ एस एन वन रिएक्शन इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्लियर नाउ कमिंग टू द इफेक्ट ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ एस एन टू रिएक्शन कि कैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो एस एन टू रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है तो अगर आपको ध्यान हो तो एस एन वन रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अलकाइल हेलाइट ठीक है और एस एन टू रिएक्शन का जो रेट है वो अलकाइल हेलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है ठीक है तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दें तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल ठीक है ये रहा हमारा सबस्ट्रेट ठीक है तो न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है कार्बन पे और यहां पर लिविंग ग्रुप डिपार्ट करता है एसेंटू रिएक्शन में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप डिपार्चर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली यही होता है ठीक है पर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को किसने इंपैक्ट कर दिया उसको अफेक्ट कर दिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो केटायन और एनायन दोनों को ही सॉल्वेट कर देता है ठीक है तो ध्यान रहेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स बोथ केटायन एज वेल एज एनायन ठीक है solvent, as well as anion, तो जिससे न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी इम्पैक्ट हो गई अफेक्ट हो गई तो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर डिक्रीज करेगी ठीक है अब यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल पे फुल नेगेटिव चार्ज है ठीक है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेट है ठीक है न्यूक्लियोफाइल पे वन नेगेटिव चार्ज कंप्लीट है पर अगर आप ट्रांजिशन स्टेट पे देखें तो यहाँ पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस सैमिलटेनिस थी डोटी लाइन क्या बता रही है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है और लिविंग ग्रुप डिपार्ट भी कर रहा है तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है डिस्पर्स हो रहा है डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियो और लिविंग ग्रुप दोनों के बीच में यहाँ पर माइनस हाफ चार्ज यहाँ पर माइनस हाफ चार्ज ठीक है तो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप में जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है डिस्पर्स हो रहा है नेगेटिव चार्ज अगर डिस्पर्स होगा तो न्यूक्लियोफाइल फाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल फाइल की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है डिक्रीज होगी और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगी ठीक है तो रेट ऑफ एसेंट टू रिएक्शन भी क्या होगा डिक्रीज होगा क्योंकि एसेंटू रिएक्शन का रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और एल्कालाइट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है तो रेट ऑफ एसेंटू रिएक्शन डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्लियर ठीक है अब ये देख लेते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे एसेंट टू रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है नाउ कमिंग टू द इफेक्ट ऑफ पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट ऑन द रेट ऑफ एसेंट टू रिएक्शन तो पोलर ए प्रोटिक जो है वो सिर्फ केटायन को सॉल्वेट करता है एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है तो अगर वो न्यूक्लियोफाइल को अफेक्ट ही नहीं कर रहा अगर वो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट ही नहीं कर रहा तो की क्या है? रही, उसका काम क्या है सबस्ट्रेट पे अटैक करना उसमें अब कोई भी हिंड्रेंस नहीं है तो पोलर ए प्रोटिक की प्रेजेंस में रेट ऑफ एस टू रिएक्शन क्या करता है इंक्रीज करता है ध्यान रहेगा तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट ओनली के टाइम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल मेंटेन सो रेट ऑफ एस एन टू रिएक्शन इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट क्लियर तो मैंने क्या बताया कि पोलर प्रोटिक सोल्वेंट जो है एस एन वन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है और पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट जो है वो एस एन टू रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है क्लियर नाउ कमिंग टू फ्यू क्वेश्चन क्वेश्चन देखो आप ये देखो ये रहा हमारा लिविंग ग्रुप ये रहा कार्बन ये कार्बन जो है किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है ठीक है ये हाइड्रोजन से अटैच है तो ये किस टाइप का सबस्ट्रेट हुआ जीरो डिग्री सबस्ट्रेट ठीक है तो ये डिग्री सबस्ट्रेट है ये रहा हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एंथ्री नेगेटिव सोडियम है ना ये ठीक है तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा एंथ्री नेगेटिव ठीक है ये रहा हमारा सॉल्वेंट निथेनोल कैसे सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है ये रहा हमारा सोडियम आजाइड और यहां पर सॉल्वेंट क्या है डायमिथाइल फॉर्मामाइट जो कि क्या है पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट ठीक है तो हमें पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो ऐसे वन रिएक्शन को फेवर करता है और पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट जो है वो ऐसे टू रिएक्शन को फेवर करता है बट एक चीज हमेशा याद रखना यहां पर सब कैसा है जीरो डिग्री जीरो डिग्री सबस्ट्रेट में हमेशा एस टू रिएक्शन होगी नो मैटर वर्ड सॉल्वेंट क्या है न्यूक्लियोफाइल क्या है ठीक है एस वन रिएक्शन कभी नहीं होगा जीरो डिग्री सबस्ट्रेट में जीरो डिग्री सबस्ट्रेट में हमेशा क्या होता है एस एन टू रिएक्शन लाइकवाइज थ्री डिग्री सबस्ट्रेट में हमेशा एस एन वन रिएक्शन होता है नो मैटर की न्यूक्लियोफाइल क्या है या फिर सॉल्वेंट क्या है ठीक है बस ये हो सकता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो एस एन वन रिएक्शन जो है थ्री डिग्री में फास्ट हो जाएगा ठीक है और एस एन टू रिएक्शन केस में अगर पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट होगा तो वो फास्ट हो जाएगा पर जीरो डिग्री में हमेशा एस एन टू और थ्री डिग्री में हमेशा एस एन वन तो यहां पर जीरो डिग्री सबस्ट्रेट है तो नो मैटर वट सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है या पोलर ए प्रोटिक है कौन सा पाथवे होगा एसन टू पाथवे क्लियर ठीक है नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो ये कार्बन जो है लिविंग ग्रुप से अटैच्ड है और ये रहा हमारा कार्बन ठीक है तो ये कार्बन जो है एक और कार्बन से अटैच्ड है वो कैसा कार्बन है ठीक है नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो ये रहा हमारा लिविंग ग्रुप ये कार्बन जो है एक और कार्बन से अटैच्ड है तो ये किस टाइप का सबस्ट्रेट हुआ वन डिग्री सबस्ट्रेट ठीक है और यहां पर देखो सोडियम पर जो है न्यूक्लियोफाइल है यहां पर क्या है है जो कि पोलर ठीक है और यहां पर क्या है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर कैसे सोल्वेंट है पोलर प्रोटिक सोल्वेंट पोलर प्रोटिक सोल्वेंट कैसे रिएक्शन को फेवर करता है एसिन वन पाथवे को और पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट एसिन टू पाथवे को क्लियर तो कौन सा पाथवे फॉलो होगा यहां पर पोलर प्रोटिक की प्रेजेंस में एस वन और पोलर ए प्रोटीक की प्रेजेंस में एस एन टू ठीक है नाउ कमिंग टू नेक्स्ट ये क्या है टू डिग्री सबस्ट्रेट टू डिग्री सबस्ट्रेट में एस एन वन भी हो सकता है और एस एन टू भी हो सकता है ठीक है अब यहाँ पर डायमिथाइल फोमामाइड क्या है पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट और यहाँ पर क्या है मिथेनोल एक्वस मिथेनोल जो कि क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एस एन वन पाथे ठीक है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एस एन टू पाथ तो अगर मैं प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा देखो यहाँ पर एजाइड आयन जो है है न्यूक्लियोफाइल तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूं तो एस इन टू रिएक्शन आपको क्या पता है कि इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होती है तो ये जो लिविंग ग्रुप है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो ये बनेगा ऐसे ठीक है और ये रहा हमारा हाइड्रोजन टूवर्ड्स ऑब्जर्वर क्लियर ठीक है इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन और ऐसे नॉन रिएक्शन में हमको पता है क्या होता है रेसेमाइजेशन होता है दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन एंड रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन तो मैं दोनों ही प्रोडक्ट बना रही हूं ठीक है एक तो रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन प्लस इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ठीक है ये रहा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और ये है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन रेसेमाइजेशन होता है एस एन वन रिएक्शन केस में क्लियर ठीक है नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ये देखो एक ऐसे सबस्ट्रेट है जीरो डिग्री सबस्ट्रेट क्योंकि ये कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है तो यहाँ पर क्या है हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल ठीक है ये क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर और डायमिथाइल सल्फोक्साइड के पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट ठीक है पर एक चीज़ तो हमें पता ही है कि जीरो डिग्री सबस्ट्रेट में नो मैटर सॉल्वेंट क्या है हमेशा एसिड टू पाथवे ही होगा ठीक है क्लियर ठीक है सो दिस वॉज़ अबाउट द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन इसके साथ ही एस एन वन रिएक्शन और एस एन टू रिएक्शन कंप्लीट होता है फॉर फर्दर लेक्चर स्टेट्यून विद आई आई टी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम एंड इफ़ यू रियली अप्रिशिएट माई एफर्ट्स देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एज़ मैक्सिमम क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया धन्यवाद